जमा दो के साइंस स्ट्रीम में प्रदेश भर में पांचवां साल हासिल कर जसूर की भावना सोहल ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। भावना राजकीय वरिष्ठ विद्यालय जसूर की छात्रा है। भावना की इस सफलता ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर कड़ी मेहनत का जज्बा दिल में हो तो निजी स्कूलों में लाखों रुपए खर्च करने की बजाय सरकारी स्कूल में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। भावना ने 488 अंक हासिल कर 97.6% अंक हासिल किए हैं। भावना की इस कामयाबी पर उसके परिजन और अध्यापक भी गदगद हैं। भावना की माने तो वे डॉक्टर बनना चाहती हैं। उनका कहना है कि वो इस व्यवसाय में सेवा कर जनता के साथ साथ भगवान की भी दुआएं हासिल करेंगी। भावना की मां राकेश कौर का कहना है कि वे चाहती हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन महंगाई वाली पढ़ाई में गरीबी उनके आड़े आ रही है। भावना के पिता मोहिंदर सिंह ट्रक चालक हैं और ऐसे में जहां घर का खर्च चलाना मुश्किल है तो उसमें महंगी पढ़ाई कैसे होगी। राकेश कौर के अनुसार उसकी सरकार से मांग है कि वे उसकी बेटी की पढ़ाई में सहयोग दे ताकि उसकी उम्मीदों को पंख लग सकें। विश्व हिंदू परिषद द्वारा रामपुर में धर्म रक्षा अपहरण निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास क्षेत्र से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने बताया कि हिमाचल में 97% से अधिक हिंदू हैं, लेकिन अब षड्यंत्र के तहत धर्मांतरण का खेल शुरू हो चुका है। खासकर लालच देकर गरीब व शोषित वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाकर सजग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर टिप्पणी करने वालों को ये समझना चाहिए कि साध्वी 25 वर्ष की है और अब तक किसी न्यायालय ने उसे दोषी नहीं माना है। विजय शंकर ने कहा कि चुनाव लड़ने पर रोक उन लोगों पर लगानी जरूरत है जिन्होंने दोहरी नागरिकताएं ले रखी हैं। शिमला संसदीय सीट पर लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है, ये कहना है राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज रघुवंशी का। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों ही दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। बात यहीं तक नहीं रहती है, तब भी ठीक था, लेकिन अब दोनों ही दल भरी जनता के बीच एक दूसरे को गालियां देने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों बड़े राजनीतिक दल सभी मर्यादाओं को लांघ चुके हैं, लेकिन हिमाचल की जनता के पास इनके अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। मनोज रघुवंशी ने कहा कि भाजपा के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने एमपी के चुनाव लड़े तो उनके सगे भाई ने सोलन से विधायक का चुनाव लड़ा, तो उनके ससुर ने भी सोलन से विधायक का चुनाव लड़ा। अब सिरमौर से सुरेश कश्यप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी इन्हीं के परिवार से हैं और इनके भाई लगते हैं। यानी कि भाजपा और कांग्रेस मतदाताओं को मूर्ख बना रही है। कांग्रेस हो या भाजपा, एक ही परिवार के इर्द गिर्द इनकी राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि अब शिमला संसदीय सीट से लोगों को परिवारवाद से छुटकारा दिलवाने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया है। उन्होंने संसदीय क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि इस बार युवा को जिताकर संसद में भेजे ताकि वे क्षेत्र की समस्याओं का हल निकलवा सकें।
सोलन में एक व्यक्ति को लालच देकर तीन नेपालियों के गिरोह ने एक बिहारी मूल के व्यक्ति को ठग लिया। मिली जानकारी के अनुसार ये तीन नेपाली ठग पीड़ित को बैंक में मिले और उन्होंने फिर इसके बाद अपना जाल बिछाया और बिहारी को अपनी बातों में फंसा कर वहाँ से बस स्टैंड ले गए। जहां उसे एक लिफाफा दिया और उसे बताया गया कि उसमें करीबन 2 लाख रुपए हैं। कुछ देर में एक नेपाली ने उससे 15,000 रुपए मांगे तो पीड़ित ने उसे ये सोचकर दे दिए कि उसके पास उनके 2 लाख रुपए हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब वे नहीं लौटे तो उसने वे नोटों का लिफाफा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें नोट नहीं बल्कि कागज की गठी थी। तब उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वे ठेकेदार से एडवांस पैसे लेकर अपने घर बिहार पैसे भेजने के लिए बैंक आया था, लेकिन जब वह पैसे भेजने के लिए स्लिप लिख रहा था तो तीन नेपाली उसके पास आए और कहने लगे, हम यहाँ पर नए हैं और हमें देहरादून की बस में बिठा दो। इस कार्य के लिए उन्होंने 500 रुपए देने का प्रस्ताव रखा। वह भी उनकी बातों में आ गया और उनके साथ बस स्टैंड चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने उसे एक लिफाफा पकड़ाया और कहा कि इसमें 2 लाख रुपए हैं। बस स्टैंड पर एक नेपाली ने कहा कि मुझे अभी 15,000 रुपए की जरूरत है, तो उसने अपने 15,000 रुपए उसे दे दिए। जब कुछ देर तक वह नहीं आया तो मैं शौचालय में जाकर उस लिफाफे को देखा तो उसे समझ आया कि वह ठगा गया है। वह तुरंत बाहर आया तो देखा कि बाकी दोनों नेपाली भी वहां से भाग चुके थे।